अगर आप भी जोड़ों के दर्द, गठियाबाद या फिर किसी भी प्रकार के दर्द से परेशान हैं, तो बबूल के गोंद के सेवन से आप इन सारी परेशानियों पर निजात पा सकते हैं। नेचुरोपैथी में बबूल का गोंद एक प्रमाणित औषधि है, जिससे कई लोगों के दर्द पर निजात भी पाया गया है। बबूल के गोंद का सेवन आप लड्डू के रूप में भी कर सकते हैं, या फिर इसे आप पानी में भी गलाकर इसका सुबह सुबह सेवन कर सकते हैं। बबूल का गोंद जोड़ों के दर्द के साथ कमजोरी को भी दूर करता है। नमस्कार, आपका मेरा रानू राजपूत। तो ये जो बबूल का गोंद जो है, इसका क्या यूज है? इसके लिए जैसे जोड़ों का दर्द होता है ना, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द के लिए उसके लिए खाते हैं। इसको पानी में गला के भी खा सकते हैं, लड्डू वगैरह में डालते हैं, बढ़िया होती है। ये किस प्रकार तैयार किया जाता है? ये पेड़ से निकलता है ना। इसके क्या क्या फायदे हैं? जैसे अपन घुटनों वगैरह में दर्द वगैरह होता है, कमर में, उसके लिए भी होता है, उसके लिए बढ़िया होता है। आप इसको खाने का कोई प्रक्रिया है इसको खाने की? हाँ, सुबह शाम कभी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लड्डू वगैरह में भी डाल लो, कैसे भी, अगर पानी में सुबह एक गिलास पानी में डाल लो, घुल जाएगा, उसके बाद सेवन कर लो। तो जैसे घुटनों के दर्द के अलावा भी इसके कोई फायदे? हाँ, और भी जैसे मुक्त रोग होते हैं ना महिलाओं को, उसके लिए बढ़िया होते हैं जी। और जैसे आपके पास धावड़े का गोल होता है, ये धावड़ा क्या होता है? धावड़े का पेड़ पाया जाता है, एक पेड़ होता है जिसका जो कमजोरी के समय लड्डू वगैरह में डालते हैं ना, ताकत के लिए होता है ना। धावड़े के जैसे बबूल का पेड़ होता है, वैसे एक धावड़े का पेड़ भी होता है, उसमें से निकलते हैं। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये अमरकंटक के जंगलों में पाया जाता है। इसका क्या इस्तेमाल होता है, किस वजह से इस गोल को खाया जाता है? जैसे जिसको कमजोरी वगैरह होती है ना, जैसे ड्राई फ्रूट की तरह, जैसे काजू किशमिश वगैरह खाते हैं, उसी की तरह फायदा करते हैं। इसको घी और तेल में तल के खा लो। इसको खाने की प्रक्रिया क्या है, कितनी बार खाया जा सकता है एक बार दिन में? जब भी खा सकते हो, आटे वगैरह के लड्डू में डालो या गुड़ के डालो, किसी में भी डाल सकते हो। कोई और कितने रुपए का ये धावड़े का गोल मिलता है एक आटे? एक पैकेट 500 ग्राम का मिलता है ना, 300 रुपये। और बबूल का गोंद जो है वो कितने रुपए का? वो भी सेम 300 रुपये।